खरगोन शहर के जेतापुर बजरंग नगर में मंथन सहारा चाइल्ड लाइन सब सेंटर ने मनोसामाजिक समर्थन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कृषि विभाग, महिला बाल विकास, यूनिसेफ के पदाधिकारियों ने शामिल होकर सामाजिक क्षेत्र और बाल कल्याण के क्षेत्रों में किए गए कार्य और योजनाओं की जानकारी से अवगत कराया। कृषि उद्यान अधिकारी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन ग्राम योजना के तहत मिर्ची और कपास की फसलों को बढ़ावा देने की योजना की जानकारी दी। इसी तरह यूनिसेफ और महिला बाल विकास सहित बाल कल्याण समिति से जुड़े सदस्यों ने लॉकडाउन के बाद बच्चों पर पड़ रहे शिक्षा एवं मानसिक और शारीरिक बदलाव को लेकर चिंता जताई। सदस्य ने कहा, इससे निजात के लिए शासन प्रशासन सहित परिवार के बीच जन जागरूकता की आवश्यकता है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। नाबार्ड के पाड़ी परियोजना के अंतर्गत और चाइल्ड लाइन के अंतर्गत दो अलग अलग प्रशिक्षण कार्यशालाएं यहां आयोजित की गई, जिसमें प्रथम कार्यशाला जो सुबह के समय आयोजित की गई, इसमें मुख्य उद्देश्य उसका जो बाड़ी कृषक हैं नाबार्ड के, उनको प्रशिक्षण देना और कैसे वो अपने पौधों को जो बाड़ी परियोजना के अंतर्गत उन्हें मिले हैं उसको ठीक तरह से उसका रखरखाव करें और कीड़ों से और दूसरी समस्याओं से उनको बचाएं, उस पर कार्यशाला थी। और साथ ही साथ उद्यानिकी विभाग के द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन क्रॉप में चिली, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के संबंध में कैसे नर्सरी को डेवलप किया जाए, कैसे उनको अच्छा से फसल को रखरखाव रखा जाए और किन सावधानियों को रखा जाए जिससे मिर्ची का उत्पादन अच्छा हो, इस संबंध में हमारे बड़ोले सर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से हमारे बीच में थे, उन्होंने कार्यशाला में किसानों को संबोधित किया। और द्वितीय कार्यशाला जो कि आयोजित की गई, इसमें हमारे बाल कल्याण समिति, महिला बाल विकास, चाइल्ड लाइन खरगोन, सब साइड लाइन मंथन सहारा, ये सभी लोग आए उसमें उपस्थित थे। इसका मुख्य उद्देश्य साइको सोशल सपोर्ट, जो कि बच्चों को जो कोरोना के समय पर, लॉकडाउन के समय पर जो कि झेलना पड़ रहा है, बच्चे जो काफ़ी मानसिक रूप से उसमें परेशान होते हैं और अपनी समस्याएं किसी को बता नहीं पाते हैं, तो इन समस्याओं को निपटने के लिए चाइल्डलाइन के द्वारा कैसे उन बच्चों की मदद की जाए, चाइल्डलाइन स्टाफ और जो भी लोग बच्चों के साथ काम करते हैं उन सबको प्रशिक्षण देने के लिए हमारे बीच में काउंसलर सीमा जोशी जी हैं, उन्होंने बच्चों को समझाया। और साथ ही साथ हमारे जो टीम मेंबर्स हैं मंथन सहारा के, मंथन के, इन लोगों ने उनको प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया। क्या नाम है आप? मैं स्वप्निल व्यवहार, खरगोन से, मंथन से खरगोन। पीछे उद्देश्य ये है कि हम चाह रहे हैं कि एक ऐसा मंच बनाया जाए जहाँ पर सारे लोग एक साथ आए और वहाँ पर हम बात करें बाल संरक्षण की, चाइल्ड प्रोटेक्शन की हम बात करें जहाँ पर, और उसमें पूरे एरिया को कवर किया जाए। अभी हम लोग देखते हैं कि कोविड के दौरान जो पिछला हमारा एक साल गया है, उस दौरान से बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें सफ़र की, लेकिन हमारा मेन फोकस जो है वो है सिर्फ एक शिक्षा कि हमारा जो फोकस होता है कि बच्चों के एजुकेशन डिस्टर्ब हो गया है, बच्चे कंप्यूटर में या लैपटॉप में या मोबाइलों में ज़्यादा इंगेज रहने लगे हैं, है ना, बच्चे मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, तो वो सारी चीज़ें। लेकिन उससे कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ें भी हुई हैं और वो हुई हैं कि बच्चों का कहीं ना कहीं जो शारीरिक और मानसिक विकास जो होना चाहिए था, अगर वो ग्रोथ हम देखें तो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुई है। दूसरी चीज़, लॉकडाउन लगने से या जिस तरीके से की परिस्थितियाँ पिछले साल जो हुई थी, अभी हम पिछले एक साल से जो सफ़र कर रहे हैं, तो उसके कारण ये भी हुआ है कि बच्चों को जो पोषण मिलना चाहिए था वो पोषण उतना मिल नहीं पा रहा, उतनी मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। हालांकि महिला बाल विकास इसको लेकर प्रयास कर रहा है कि जो बच्चे उनके आंगनबाड़ी केंद्र में जा रहे हैं उसको कोशिश कर रहे हैं कि उनको पोषण दिया जाए, अच्छा बेहतर स्वास्थ्य के ऊपर उनके लिए काम किया जाए, लेकिन परिवार की भी जिम्मेदारी होती है जो उनको कहीं ना कहीं पूरा हो नहीं पा रहा। तीसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो बच्चों का शारीरिक और मानसिक रूप से भी कहीं ना कहीं उनके साथ में हरासमेंट हो रहा है, कहीं उनके साथ छेड़छाड़ हो रही है, उनके साथ में जो है यौन दुराचार हो रहा है, और बच्चे इस चीज़ को कहीं भी एक्सप्रेस अपनी नहीं कर पा रहे, किसी डर के कारण है या उनको समझ नहीं है जिसके कारण है। चौथी चीज़ अगर हम जो बात करें वो हम बात कर रहे हैं बच्चों के गिरते स्वास्थ्य को लेकर के, कि बच्चे आज अपने आप को कहीं ना कहीं, मतलब वो अगर बुखार भी आ रहा है तो डॉक्टर के पास जाने में पेरेंट्स भी डर रहे हैं, तो बाहर से दवाइयाँ ले ली, कुछ भी दवाइयाँ ले ली, बच्चों को दे दी, अब वो बच्चा कहीं तो सस्टेन कर पा रहा है और कहीं नहीं कर पा रहा, तो कहीं ना कहीं वो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर भी उसका असर होगा। तो हम ये चाहे, और फिर पांचवी चीज़ अगर हम बात करें तो बाल मजदूरी, बच्चे माता पिता के पास अपने मजदूरी के साधन नहीं है,
उनके बाद आमदनी के जो स्रोत हैं वो कहीं ना कहीं बंद हुए हैं या कम हो गए हैं, तो उनका जो फोकस है वो ये है कि बच्चे की अगर थोड़ा बहुत मदद कर देंगे तो, और बच्चे खुद भी कि हम हमारा खुद का खर्चा निकाल लें, हमारे कपड़े हम ले लें, हमारी किताबें हम ले लें, या हमको मोबाइल चाहिए तो हमारा मोबाइल ले लें, इस तरीके से तो उनका एक फोकस ये भी हो गया है। तो जो है अब चाइल्ड जो लेबर है वो कहीं ना कहीं संख्याएँ बड़ी हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ट्रैफिकिंग की हम बात करें तो, क्योंकि हमारा खरगोन जिला काफ़ी बड़ा है तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ट्रैफिकिंग की तरफ भी हो सकता है कि बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हों, तो उस चीज़ को भी हम कैसे रोक सकें, और पूरा प्रोग्राम का ओवरऑल उद्देश्य यही है कि इन सारे मुद्दों के ऊपर सबका ध्यान केंद्रित किया जाए। क्या नाम सर आपका? मैं अमित सिंधे हूँ, यूनिसेफ और ममता की ओर से जिला समन्वयक हूँ यहाँ पर खरगोन में, और पिछले 7 महीने से यहाँ पर हूँ मैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।